हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फाइन, वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन। तो ये वीडियो में हमने आया ड्रोन लवर्स के लिए कि काफ़ी कंफ्यूजन है सबके मन में कि क्या हो रहा है ड्रोन रेगुलेशन को लेके, हम ड्रोन किस तरह से ले सकते हैं और अगर ले लें तो उसको उड़ाएं कैसे, परमिशन चाहिए नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो रही है नहीं हो रही है, और कौन कब ड्रोन उड़ा सकते हैं कब नहीं उड़ा सकते, पुलिस के पास जाना है पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन सभी बातों पे आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आपका इनमें से कुछ भी कंफ्यूजन है तो क्या स्टेटस है इंडियन गवर्नमेंट का विद रिगार्ड टू रेगुलेशंस, तो वो सारा मैं आज एक बार फिर से अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के आते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि मेरे रिलेटिव वहाँ से आ रहे हैं तो ड्रोन ला सकते हैं, मैं वहाँ से डिसमेंटल करके ड्रोन को ऑर्डर कर सकता हूँ। ये ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन ड्रोन को लेके बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं लोग उन्हें मिले। तो ये सब कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप नए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि फ़िलहाल ड्रोन रेगुलेशंस इंडिया में बन गई हैं ऑन द पेपर्स एंड ऑन द वेबसाइट, बट एक्चुअल में ना तो जिन्होंने रेगुलेशन बना के वेबसाइट पर डाली है उनको कुछ ढंग से, मतलब स्ट्रीम फ्लो में एक्चुअल में प्रैक्टिकली कुछ भी फॉलो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले ये बात चली थी कि आपको सबको ड्रोन रजिस्टर करना पड़ेगा, तो वो ड्रोन रजिस्टर कराने का तो छोड़ो, उससे पहले एक एनलिस्टिंग की बात आ गई। जैसे आपको पता होगा मैंने वीडियो बनाया था ड्रोन एनलिस्टिंग, अब काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज हो गए, एनलिस्टिंग को रजिस्ट्रेशन समझने लग गए। एनलिस्टिंग सिर्फ एक अनुमान था, एक एस्टिमेट था कि कितने ड्रोन इंडिया में हैं, तो वो करवाई गई थी, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई है, तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अभी ड्रोन की रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई है। तो प्लीज़ ड्रोन एनलिस्टिंग जो पहले स्टार्ट हुई थी और काफ़ी लोगों ने करवाई थी, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया था, तो काफ़ी लोग उसको ड्रोन रजिस्ट्रेशन समझ रहे हैं और काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी ये छपा कि वो ड्रोन रजिस्ट्रेशन है, बट जबकि वो ड्रोन रजिस्ट्रेशन नहीं थी, समझ रहे हैं? तो वो एक एनलिस्टिंग थी, रजिस्ट्रेशन अभी शुरू ही नहीं हुई है, तो वो अब काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है, ये मैंने क्लियर कर दिया रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई। नंबर दो, रजिस्ट्रेशन किसकी करवानी है? सिर्फ उस ड्रोन की रजिस्ट्रेशन होनी है जो 250 ग्राम से ऊपर है, समझ गए? 250 ग्राम से ऊपर कौन से आते हैं? मेनली डीजे के मैविक एयर से शुरू हो जाते हैं, मैविक एयर, स्पार्क भी 250 ग्राम से ऊपर है। ये सभी ड्रोन्स की आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो अब बात आती है नैनो ड्रोन्स की, जो कि मिनी काफी पॉपुलर ड्रोन है और उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है, तो वो मैं क्लियर कर देता हूं कि मिनी ड्रोन जो है, सबसे पहले अगर आप लेने के सोच रहे हैं तो ये याद रखें कि अब इंडिया के अंदर, क्योंकि वो नैनो ड्रोन है, नैनो ड्रोन मतलब 250 ग्राम से कम है उसका वेट, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप वो ड्रोन ले रहे हैं तो ये रिस्ट्रिक्शन लग चुका है इंडिया में, आप उसको 15 मीटर से ऊपर नहीं उड़ा पाएंगे लीगली, वो उड़ेगा ही नहीं। डीजे ने भी अपडेट कर दिए इंडिया के लिए, तो मिनी जो ले रहे हैं और सोच रहे हैं ऊंचा उड़ाएंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि वो 15 मीटर के ऊपर नहीं जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन लग चुकी है। क्यों लगी है उसका कारण मैं पहले भी बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये नैनो ड्रोन है, इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अगर कोई मिसहैप होती है, एक्सीडेंट होता है, तब उस केस में किसी को नहीं पता लगेगा कि ये ड्रोन किसका है। तो ये क्लियर हो गया आपको? तो अगर आप नैनो ड्रोन की सोच रहे हैं लेने की, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। तीसरी बात, ऑनलाइन ऑर्डर का मैं हमेशा मना करता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर आप किसी भी ड्रोन को नहीं कर सकते। किसी किसी का अगर आ जाता तो वो बहुत लकी हैं, रियल लकी हैं, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर ड्रोन का मत करें। और जो इंपोर्ट का सिलसिला है उसके लिए भी रेगुलेशन नाम के लिए बनी पड़ी हैं, बहुत सारी हैं, और अगर वो एक्चुअल लाइफ में आ जाती हैं प्रैक्टिकली, तो वो भी आम बंदे के लिए, आप जैसे और मेरे जैसे कंज्यूमर के लिए, उसको फुलफिल करना इतने ज़्यादा डिटेल में, किसी ने देखना तो रेगुलेशन वाला वीडियो दे सकता है, इतने ज़्यादा स्टेप्स बना दिए हैं, तो अगर वो जब शुरू भी होगा, अभी शुरू हुआ ही नहीं है, इंपोर्ट की परमिशन कैसे लेनी है, वो अगर शुरू हो भी जाएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया, तो वो अभी शुरू नहीं हुआ है, तो आप इंपोर्ट कतई मत कराएं। अगर आपने इंपोर्ट करा लिया ना, तो आपके पास ड्रोन आएगा, कन्फिस्टिकेट होगा कस्टम से, एयरपोर्ट पे, क्योंकि भी ड्रोन अलाउड नहीं है। नंबर दो, आपके पैसे भी जाएंगे, ठीक है।
किसी एक का किसी चक्कर में आ गया तो आ गया, वो लकी है, बट आइडली मैं आपको बता रहा हूं इंपोर्ट मत करना, ठीक है। अब एक और सिलसिला कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे फ्रेंड दुबई या कहीं बाहर से जहां पर ड्रोन मिलता है इजीली DJI का, वहां से आ रहे हैं तो ले सकते हैं। ज्यादा बड़ा ड्रोन मत लाना, जैसे फैंटम वाली सीरीज के मत लेना, वो अब ट्रैप हो जाते हैं इजीली। लेकिन जो छोटे ड्रोन है, मिनी, मैविक एयर, कॉम्पैक्ट जो सीरीज के ड्रोन अब आजकल मिल रहे हैं, वो काफी इजीली आप ला सकते हैं, लेकिन डिसमेंटल करके लाना पड़ेगा, बॉक्स वहीं छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो पूरा फुल प्रूफ है, अगर दिख गया कस्टम वाले को तो गया आपका ड्रोन। 90% पर ये काम करता है। काफी लोग जो भी आपने ऐसे ड्रोन की अनबॉक्सिंग देख लेते हैं जल्दी, वो इसी तरह से आते हैं, बाहर से आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रोन को लेके, कि अब डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है जिसमें सभी दाम शुरू करने की बोला गया था, वो अभी शुरू नहीं हुआ, तो उस पर परमिशन मिलनी थी ड्रोन हर एक टेक ऑफ से पहले, तो वो अब कैसे लें परमिशन, मतलब कैसे उड़ाएं ड्रोन। तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि पुलिस वालों से जाके परमिशन ली जाए। अब पुलिस वाले भी कई इस पंगे में नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि ड्रोन को काफ़ी नेगेटिवली लिया जा रहा है इंडिया में। वो कहते हैं सीनियर ऑफिसर के पास जाएं। तो अगर इस तरह का सिनेरियो आ रहा है और आप सेफ रहना चाहते हैं, तो अगर पुलिस वाले आपको कह रहे हैं कि आप हमारे सीनियर ऑफिसर से परमिशन लें, तो आप सीनियर ऑफिसर के पास जाएं और प्रॉपर एक परमिशन लेके और अपने कॉन्फिडेंस में लेके कि मुझे आता है ड्रोन उड़ाना और मैं इस पब्लिक प्लेस पे या शादी पे उड़ाना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दी जाए। सिर्फ मैंने इवेंट कवर करना है, उसके बाद कुछ फालतू काम नहीं होगा किसी और, वो उसके बाद मैंने उस पर्पस के लिए उड़ाना है, बस ये साफ साफ बताएं और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन केस अगर आपको मना करते हैं तो आप खुद पंगा ले रहे हैं, तो आप मत उड़ाएं। अब बाकी जो है हमारे कैंपिंग वाले लोग जो कैंप लगा के ड्रोन को लेके जाते हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस पे लेके जाते हैं, वहां पर कोई बंदा भी पर नहीं मार रहा होता, तो वहां पर मैं भी कहूंगा कि आइसोलेटेड जगह पर हैं तो वहां पर आप ड्रोन उड़ाएं। वहां पर ना तो पुलिस आएगी और पब्लिक भी कम होगी, तो उसमें वहां पर कोई इशू नहीं है, वहां पर जाके उड़ा सकते हैं आप, ठीक है। और उस केस में मिनी अगर आपने ले लिया तो मिनी में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो मिनी मत लें, क्योंकि मिनी में अब जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने क्लियर कर दी हैं। इंपोर्ट नहीं कराना है, बाहर से लाना है तो डिसमेंटल करके लाना है, परमिशन लेके उड़ाना है, पब्लिक प्लेस पे अपने आप अपने बेसिस पे मत उड़ाएं, इलीगल है, प्रॉब्लम आ सकती है, एंड आइसोलेट जगह पर जाके उड़ाएं प्रॉपर ढंग से। और एक हाँ क्वेश्चन, लाइसेंस, ड्रोन लाइसेंस किसको चाहिए पर्सनल यूज के लिए? ड्रोन लाइसेंस अगर आपके पास माइक्रो ड्रोन है, यानी कि 250 ग्राम से 2 किलो के बीच में, इसमें सारे ड्रोन हमारे आ जाते हैं कंज्यूमर वाले, मैविक एयर, मैविक एयर 2, मैविक प्रो, ये सब इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। अगर इनमें से कोई ड्रोन आपके पास है, उसके लिए पर्सनल यूज के लिए, अपने मजे के लिए, अपने वीडियोज के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उसको प्रोफेशनली, अगर आप उसको एक मतलब ड्रोन जॉब करना चाहते हैं एक, तब आपको लाइसेंस जरूरत है, ये मैं क्लियर करता हूं। एंड लास्ट पॉइंट, नैनो ड्रोन के लिए ना तो लाइसेंस चाहिए ना रजिस्ट्रेशन चाहिए, वहां पे लाइसेंस भी नहीं चाहिए। और नैनो ड्रोन का आपको मैंने आज बता दिया कि 15 मीटर की उसमें लिमिट लग गई है, तो फायदा कुछ है नहीं नैनो लेने का इंडिया में, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। तो होप आपका क्लियर हो गया, मोस्ट ऑफ द सवाल मैंने ले लिए हैं आप सबके, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, और आप इससे अलावा भी आपके दिमाग में कुछ प्रश्न हैं जो मैंने नहीं उठाया इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूँगा। थैंक यू।